नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सिलसिला बाजारों का में आपका स्वागत है। बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटी की कि किस कॉमोडिटी में क्या कुछ देखने को मिला है, किस में मंदी है, किस में तेजी है। तो बात करते हैं सबसे पहले नॉन एग्री कॉमोडिटी की। तो नॉन एग्री कॉमोडिटी में बात करेंगे सोने चांदी की, तो इसमें आज तेजी देखने को मिल रही है। बता दें सोना 52,107 पर ट्रेड करता दिखा है और इसमें 190 रुपए की जो तेजी है वो दिखी है। वहीं चांदी 58,409 पे ट्रेड करता दिखा है और इसमें 234 रुपए की तेजी इसमें देखने को मिली है। तो इन सब पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारी मैनेजिंग एडिटर मार्केट टाइम्स टीवी की हमारे साथ जुड़ गई है रूपा मेहता जी। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। तो रूपा जी, आज सोने चांदी के बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये तेजी आगे बरकरार रहेगी या इसमें कोई गिरावट आगे बन सकती है? देखिए, सोने में फिलहाल इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का असर देखने को मिला है। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में 30 जून से जो है वो बढ़ोतरी कर दी गई है और ये लागू हो चुका है, तो जिसका इंपैक्ट जो है वो काफी पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ से माना जा रहा है कि आगे चलकर सोने की घरेलू मांग जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और कीमतें जो है आगे तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और उसके चलते हमने देखा भी है कि घरेलू बाजार में भी कीमतों पर असर पड़ा है और मांग के ऊपर भी आगे चलकर इंपैक्ट आता हुआ दे सकता है, जिसके चलते माना जा रहा है कि सोना जो है अभी हम 52,000 के ऊपर इसको देख रहे हैं। 52,400 से 52,600 की रेंज अभी इस हफ्ते में देखने को मिल सकती है। काफी पॉजिटिव है मार्केट और मुझे लगता है कि सोने के अंदर हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चलना चाहिए। सोने के साथ साथ चांदी में भी निचले स्तरों पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, चांदी के अंदर भी बाय किया जा सकता है। अभी चांदी काफी नीचे चल रही है, 60,000 के नीचे आ चुकी है। ये लेवल काफी अट्रैक्टिव है बाइंग के लिए, 58,000 के अराउंड चांदी के अंदर खरीदारी करके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से चला जा सकता है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में चांदी 62,000 से लेकर 65,000 के आसपास सस्टेन करती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए सोने और चांदी में निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आप सोने चांदी पे निचले स्तर पर बाइंग करके चल सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है इसमें आगे जाके। रूपा जी, अगर क्रूड ऑयल कच्चे तेल की बात करें तो ये आज 8,558 पे ये कारोबार करता दिखा है और इसमें 47 रुपए की जो गिरावट है वो दिखी है। तो आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल का बाजार कैसा रह सकता है, क्या कुछ इसमें बदलाव आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, क्रूड के अंदर भी फिलहाल रुझान जो है वो एक सीमित दायरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, जिस तरीके से हमने इसके अंदर पिछले सत्र में तेजी आते हुए देखी है। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजारों की शुरुआत जरूर गिरावट के साथ होती हुई दिखाई दी है और बाजार ऊपरी तरह से लुढ़के भी हैं। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जिस तरीके के अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उसका काफी ज्यादा असर जो है कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जिस तरीके से यूएस के अंदर काफी हद तक जो है अपडेट्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि कच्चे तेल की मांग जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ से कच्चा तेल अभी भी $100 के ऊपर सस्टेन है विदेशी बाजारों में, तो वही रेंज अभी फिलहाल वही है, $100 से लेकर $120 के बीच में फिलहाल कच्चा तेल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए आज इंट्राडे में 8,520 तक नीचे में डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। 8,520 से लेकर 8,500 की रेंज हो सकती है और अगेन ऊपर में 8,620 से लेकर 8,660 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए कच्चे तेल में भी निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि कच्चा तेल $120 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस आज 451 पे ये कारोबार करता दिखा है और इसमें कम से कम 3 रुपए की जो है वो तेजी भी देखने को मिली है, तो नेचुरल गैस का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, नेचुरल गैस में जो रैली आनी थी वो आ चुकी है, अब ऊपरी स्तरों से मार्केट जो है वो लुढ़कते हुए दिखाई दे हैं और हमने ऊपर से दबाव आते हुए देखा है और काफी नीचे आ चुका है मार्केट। 600 के ऊपर कारोबार करने वाली नेचुरल गैस अब 450 के आसपास है, तो इसमें प्रेशर बना रह सकता है। शॉर्ट टर्म आज रैली है, इंट्राडे में 460-480 तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी करना चाहिए। नीचे में 400 से लेकर 420 तक का स्तर संभव है कि देखने को मिल सकता है। जी, अगर बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में जो जिंक है वो आज बता दे कि 278 पर ये ट्रेड करता दिखा है, तो बेस मेटल के बाजार में क्या कुछ बदलाव आगे देखने को मिल सकता है?
देखिए अभी चाइना से डिमांड जो है वो बेस मेटल्स की कम होती हुई दिखाई दी है, जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है उसके चलते बेस मेटल्स भी ऊपरी स्तरों से लुढ़के हैं, और जिसके मद्देनजर हमने देखा है कि जिंक जो 320 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था वो नीचे लुढ़क चुका है, अब 280 के घरों में, इनफैक्ट अब यहाँ से 260 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। सेम एज इट इज कॉपर के अंदर भी नीचे में 660 का स्तर संभव है कि देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में ऊपरी स्तरों पर अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म रैली के अंदर भी क्वालिटी रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, अगर अब बात करते हैं एग्री कॉमोडिटी की, तो एग्री कॉमोडिटी में कैस्टर सीड की अगर बात करें तो बता दें कि ये 7,470 पर ये ट्रेड करता आज दिखा है, तो कैस्टर सीड का बाजार आज एग्री कॉमोडिटी में कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए कैस्टर सीड में जो है रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, काफी टाइम से हमने देखा है कि ये कमोडिटी लगातार प्रेशर झेल रही है, जो लेवल है उसी लेवल के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, 7500 ऊपर में तो नीचे में हमने देखा है कि इसके अंदर 7000 तक के स्तर देखने को मिले हैं, तो फिलहाल इसमें जब तक 7500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता मार्केट तब तक कोई बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक के अंदर ऊपरी स्तरों से डाउनसाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखना चाहिए, क्योंकि इसके एक्सपोर्ट भी अभी फिलहाल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो जिसकी वजह से पहले जो तेजी बनी थी वो चीन की तरफ से डिमांड निकली थी, जिसकी वजह से कैस्टर में अपसाइड मोमेंटम बना था, लेकिन अभी जो है एक्सपोर्ट्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से वापिस से बाजार जो है रुक से गए हैं, और या यूं कहें कि ऊपरी स्तरों से फिसलते नजर आए हैं, तो फिलहाल के लिए कैस्टर सीड के अंदर मुझे लगता है कि नीचे में 7000 तो ऊपर में 7500 से 7600 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें सेलिंग में रहना चाहिए ऊपरी स्तरों पर, और जब तक ये 7600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें लंबी तेजी नहीं। जी रूपा जी, एग्री कॉमोडिटी में मेरा अगला सवाल पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नॉन एग्री कॉमोडिटी में ओवरऑल इंट्राडे में क्या कुछ करके चलना चाहिए आज? देखिए ओवरऑल इंट्राडे में नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि सोने के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए, सोना और चांदी ये दोनों कमोडिटीज एक अच्छा मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी अगला सवाल मेरा एग्री कमोडिटी पे आपसे कॉटन सीड ऑयल केक पे है, या 2655 पे ट्रेड करता दिखा है, तो इसका बाजार आज कैसा कुछ देखने को मिल सकता है? बात करें अगर कॉटन सीड ऑयल केक की रूपा जी, तो ये आज 2655 पे ट्रेड करता दिखा है, तो कॉटन सीड ऑयल केक का बाजार आगे इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए कॉटन में अभी तेजी नहीं है और बिनोला खल के अंदर भी अपसाइड मोमेंटम नहीं है, ये लगातार करेक्शन के बाद निचले स्तरों पर हल्की आप कह सकते हो कि खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसके अंदर वीक है। मेरे हिसाब से कॉटन के अंदर बिकवाली की तरफ रहना चाहिए और बिनोला खल के अंदर भी बिकवाली करके चलना चाहिए। इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से आपको हो सकता है कि 2700 से 2720 तक का ऊपरी स्तर एक बार देखने को मिले, लेकिन वहां से अगेन प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे से आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कॉटन ऑयल सीड केक नीचे में 2500 से 2400 जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आप इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं कॉटन ऑयल सीड केक में। बात करें अगर मसालों की, तो धनिया 11,560 पर ट्रेड करता दिखा है, तो मसाले का बाजार कैसा रह सकता है? धनिया में क्या कुछ तेजी आगे बनती और दिख सकती है? देखिए मसालों में तेजी का रुझान है, हमने जैसे कि पहले भी लगातार यही डिस्कस किया है कि मसाले एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जिनमें आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। अब जैसे जैसे वेकेशंस खत्म हो गए हैं मुझे लगता है कि यहाँ से मसालों की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। आप देखिए बाजारों में एक खरीदारी भी हमने आती हुई देखी है, चाहे वो धनिया हो या फिर जीरा, इन दोनों की कमोडिटीज में, इनफैक्ट हल्दी भी जो 8000 के नीचे लुढ़क चुकी थी अब उसमें भी लगातार तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मसालों में मैंने शुरू से ही कहा है कि इसमें बाइंग करके चलिए और मैं काफी पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि आगे चलकर अभी भी मसालों में तेजी का रुझान बन सकता है। धनिया जुलाई वायदा 12000 के ऊपर सस्टेन कर सकता है, तो वहीं जीरे की बात करें तो 22500 तक के ऊपरी स्तर संभव है, वहीं हल्दी भी 8400 से लेकर 8500 तक का स्तर छू सकती है। तो फिलहाल के लिए मसालों में जिन्होंने ये बुलेटिन पहले से देखते आ रहे हैं अगर उन्होंने बाइंग की है तो मेरे हिसाब से उनको अभी भी होल्ड करना चाहिए, और आगे चलकर ये लेवल्स जो अभी मैंने डिस्कस किए ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। जी तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि एग्री कॉमोडिटी में मसालों में आप आगे बाइंग करके चल सकते हैं, इसमें आपको मुनाफा हो सकता है। बात करते हैं अगर ग्वार गम की, तो ये आज 9,580 पर ट्रेड करता दिखा है, तो ग्वार गम का बाजार क्या कुछ इसमें आगे देखने को मिल सकता है रूपा जी?
देखिए ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में अभी जो है वो ऊपरी स्तरों से दबाव बनते हुए दिखाई दिया था और मार्केट जो है एक बार फिर से करेक्शन में आ चुकी है और अभी भी आप देखिए लगातार प्रेशर है। तो अभी जो 10,000 के नीचे गम लुढ़का है तो यहाँ से इसका सिनेरियो अब नेगेटिव हो चुका है। तो मेरे हिसाब से 9400 तक नीचे 9400 से 9200 की रेंज हो सकती है और ऊपर में 9800 तक का सस्टेनेबिलिटी है। वहीं सीट की बात करें तो सीट भी 5000 के नीचे लुढ़क सकता है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बिकवाली में रहना चाहिए, हर ऊपरी स्तर पर यहाँ पर सेलिंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं को लेकर DGFT ने भी 1.6 मिलियन जो गेहूं निर्यात है उसके लिए RCB जारी कर दिया, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि गेहूं में आगे क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, बाजार और कितना आगे जा सकता है? देखिए अभी गेहूं के अंदर फिलहाल तेजी बनती हुई ही दिखाई दे रही है क्योंकि अभी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो गेहूं की सप्लाई बाधित हुई थी वो अब कहीं ना कहीं जो सप्लाई पर असर आया था उसकी वजह से हमें कीमतों में तेजी देखने को मिली थी और देखा भी गया था कि सरकार ने जो सप्लाई का संकट था उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर बैन भी लगा दिया था, लेकिन अभी भी दाम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं और यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में भी कीमतें फिलहाल नीचे नहीं आई हैं और मुझे लगता है कि अभी गेहूं के निर्यात में और आगे चलकर तेजी आ सकती है। जो अमेरिका और रूस जैसे देशों में अभी फिलहाल जून से लेकर अगस्त के बीच में गेहूं की कटाई होती है, तो ऐसे में वहां पर अगर प्रोडक्शन का डाटा निकल कर आता है तो उसके बाद जो है अगर वहां पर क्रॉप कम रहती है तो एक्सपोर्ट डिमांड्स और पिकअप होते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर भारत से। तो फिलहाल के लिए काफी पॉजिटिव है गेहूं का मार्केट और एक अच्छा जो है एक्सपोर्टर बनकर भारत उभर सकता है। तो मेरे हिसाब से गेहूं के अंदर जिन्होंने होल्ड किया हुआ फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। जी रूपा जी, पिछले हफ्ते सरसों तेल खाद्य तेलों में गिरावट बनी हुई थी, क्या आपको लगता है कि इस हफ्ते भी जो खाद्य तेल है उनमें गिरावट रहेगी या कुछ तेजी आगे देखने को मिल सकती है? देखिए अभी इनके अंदर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है सभी, अगर हम बात करें खाद्य तेलों की, चाहे वो सरसों हो और या फिर सोयाबीन हो, इन सब में जो है ऊपरी स्तरों पर लगातार प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है और अभी जो है भाव नीचे में ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी महंगाई बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और हर एक वस्तु का दाम जो है वो काफी ऊपर है। तो सरसों के तेल में फिलहाल अभी जो राहत है ये बनी रह सकती है, सरसों के साथ साथ सोयाबीन में भी मुझे लगता है कि फिलहाल जो है कीमतें कंट्रोल में रह सकती हैं, इसमें फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, अगर बात करें कपास की तो अब दलहन छोड़ के लोग कपास और सोयाबीन की जो बुआई किसान अब कर रहे हैं, बारिश की कमी से जो बुआई है वो भी आधे क्षेत्रफल में हुई है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा रह सकता है कपास का जो बाजार है आगे, इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए जहां तक कपास की बात है, कपास में अभी सोइंग जो है जरूर आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं अभी के लिए फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि किसानों ने काफी हद तक जो है सोयाबीन किसानों ने भी कपास की तरफ रुख किया है और ऐसा माना जा रहा है कि जो इस बार प्राइजेस मिले हैं उसके चलते जो किसान जो है वो इसकी तरफ रुख करते हुए नजर आए हैं और इसका आगे चलकर अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे जो था वो रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। और कपास में फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म रैली में देखा जाए तो प्राइसेस नीचे हैं, जो तेजी आनी थी वो आ चुकी और मुझे लगता है कि अभी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का प्रेशर जो है वो बना रह सकता है और अगर प्रोडक्शन अच्छा रहा तो डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन में भी आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, एग्री कमोडिटी में ओवरऑल इंट्राडे में क्या कुछ करके चलना चाहिए? देखिए ओवरऑल इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि फिलहाल मसालों के अंदर ही खरीदारी की तरफ रहना चाहिए, मसाले एक अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए और अब जिस तरीके से डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई देगी मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त के बीच में एक अच्छी रैली बन सकती है, इनफैक्ट अगस्त एक अच्छा महीना हो सकता है मसालों के लिए जो प्रॉफिट देने वाला। तो यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर जो भी नीचे जाए मार्केट तो वहां पर खरीदारी करके आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया मार्केट टाइम्स टीवी के साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने आप बताया कि नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटी में क्या किसमें तेजी और किसमें मंदी देखने को मिल सकती है, तो नॉन एग्री कॉमोडिटी में सोने चांदी में आप कारोबार करके चल सकते हैं और ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। वहीं अगर एग्री कॉमोडिटी की बात करें तो इसमें आप मसालों में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है, इसमें आप आगे कारोबार करके चल सकते हैं। तो आज के लिए बाजारों के सिलसिला में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।